हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी की, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं 5.4 एक्सरसाइज। 5.4 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो है, आपने को डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, जिसमें y इज इक्वल्स टू आपके पास दे दिया e की पावर x अपॉन साइन x। क्या दे दिया? e की पावर x अपॉन साइन x। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा? हमको यहाँ पर डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। डिवाइड रूल क्या होता है? डिवाइड रूल आपने पढ़ा है, क्या होता है डिवाइड रूल? जैसे फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, इसका हमको d बाई डी एक्स निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स इसका निकालेंगे, फर्स्ट का माइनस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स इसका निकलेगा सेकेंड का। ये हमारा फॉर्मूला है इसका, ठीक। इस फॉर्मूले का यदि मैं यूज करूँ तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे कौन आएगा? साइन स्क्वेयर एक्स। यहाँ कौन आएगा? साइन एक्स। डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे? e की पावर x का माइनस e की पावर x ऐसा का ऐसा, d बाई डी एक्स किसका निकलेगा? साइन x का, ठीक है। जब साइन x का हम निकालेंगे, देखिए साइन x एज इट इज रहा, e x का डिफरेंशिएशन e x होता है, e x एज इट इज रहेगा, साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। और नीचे कौन बच गया? साइन स्क्वायर x। अब चाहे हम तो यहाँ पे दोनों में e x क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसके अपॉन में कौन आ गया? साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ओके। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, जिसपे दे रखा है क्वेश्चन नंबर टू, वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया था? फंक्शन और फंक्शन की पावर अगेन फंक्शन। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप निकालेंगे डी वाई बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे? ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का, और डी बाई डी एक्स का निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। आपने आरबी त्रिपाठी की एक्सरसाइज में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के किए हैं, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। यहाँ देखिए ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, और साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन किया जाता होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इससे हमारे पास बचेगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अब ऑन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, है ना? क्या है? वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स की पावर थ्री है, क्यूब है। अब क्यूब होगा तो क्या करेंगे? वही प्रोसेस है यहाँ पे होगी, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे? ई टू दी पावर एक्स का क्यूब का, इनटू फिर डी बाई डी एक्स किसका निकलेगा? एक्स का क्यूब, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाता है, और इसका करेंगे तो थ्री आ गया, और एक्स की पावर हो जाएगी थ्री माइनस वन, ठीक है। ये हो जाएगा 3x की पावर 2 इंटू ई की पावर x की पावर 3, ये आपका आंसर होगा इसका, क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? y इज इक्वल दे रखा है आपके पास साइन, और अंदर कौन है? tan इनवर्स ex, ओके। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, पहले डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे? साइन का, ओके, और साइन के अंदर कौन है? डी बाई डी एक्स किसका निकलेगा? टेन का, और टेन किसके अंदर कौन है? ई एक्स।
मतलब फंक्शन और फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो सोल्व करने का तरीका ये होगा, क्या होगा, साइन का कितना हो जाता है कॉस, हो गया कॉस, ओके। टेन इनवर्स का होता है 1/1 + x², तो एक्स स्क्वेयर की जगह कौन है, e की पावर x, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर x की पावर 2 × ex। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लें तो ई एक्स को पहले लिख लो, साथ में कॉस टेन इनवर्स x ले लो और अपॉन में किसको ले लेंगे 1 + e की पावर 2x हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे 1 + e की पावर 2x हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है। आई थिंक यदि यहाँ पर माइनस दे रखा है आपके क्वेश्चन में, आई थिंक माइनस है क्या, एनसीईआरटी वाले में माइनस दे रखा है, तो हम यदि माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा e की पावर माइनस एक्स का e की पावर एक्स माइनस आएगा, माइनस आगे लग जाएगा, ये माइनस यहाँ भी आगे लग जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस होगा और यहाँ भी आपका माइनस रहेगा, कहाँ पर, हाँ यहाँ भी माइनस, मतलब देखो यदि माइनस में आता है तो जहाँ एज इट इज माइनस चलेगा, खाली डिफ्रेंशिएशन हम e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस ई एक्स होता है ना, माइनस आगे आ जाता है और एज इट इज वो चीज़ आपकी चलती जाती है। अब देखिए लॉग कॉस ई एक्स का है ना, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, फिफ्थ में आपके पास दे दिया लॉग, अंदर है कॉस ई एक्स, इसको किसके इक्वल लेंगे, वाई के इक्वल ले लेंगे, किसके लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई बाय, पहले डी वाई डी एक्स किसका निकालेंगे, लॉग कॉस ई एक्स का, फिर डी वाई डी एक्स किसका निकलेगा, कॉस ई एक्स का, और फिर डी वाई डी एक्स किसका निकालेंगे, ई एक्स का, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो फंक्शन 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 जितने होंगे सबको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ते जाएंगे और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास आने वाली चीज होगी लॉग एक्स का होता है 1/x, एक्स की जगह कौन है कॉस ई एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ई एक्स, और ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे साथ साथ करके लिखेंगे इसको, तो माइनस ई एक्स लिख देंगे, यहाँ कौन बचा ऊपर, साइन ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स, यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 10x, तो ये हो जाएगा माइनस ई एक्स इंटू 10e^x, ये आपका आंसर होगा, ओके। अब इसी तरह से यदि हम लोग आगे बढ़ते जाए तो ई सीरीज का फॉर्मूला है, काय का है ई सीरीज, ई सीरीज में क्या e की पावर समथिंग दे रखा है, फिर e की पावर दे रखा है, तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन है e^x समथिंग है ना, तो कहाँ तक गया वो, 5 तक गया है, फिफ्थ पे जाके उसने क्या कर दिया, रोक दिया है, तो अपन लिख लेते हैं पूरा उसको, ठीक। क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल e की पावर x प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x प्लस e की पावर 4x प्लस e की पावर 5x, अच्छा x की पावर है तो इसको ऊपर पहुँचा दो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, x की पावर 5 तक चला गया। जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, x, देखिए dy by dx, ठीक है dy dx इसका निकालेंगे e की पावर x का, dy dx निकलेगा e की पावर एक्स स्क्वेयर का, dy dx निकलेगा e की पावर एक्स क्यूब का, डी बाई डी एक्स निकलेगा एक्स की ई की पावर 4 का, डी बाई डी एक्स निकलेगा ई की पावर 5 का, ओके। देखिए अब जब इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x होगा। अब यहाँ क्या होगा, ई की पावर
3x और साथ में 3x, यहाँ हो जाएगा कौन 3x स्क्वायर, ओके यहाँ हो जाएगा एक की पावर x की पावर 4 इंटू 4x की पावर 3, क्यों हुआ 4 आगे आ जाएगा और 4 माइनस 4 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है आगे हो जाएगा e की पावर x की पावर 5 इंटू x की पावर 4। सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखेंगे e की पावर x 2x आगे e की पावर x स्क्वायर, यहाँ देखिए 3x स्क्वायर आगे e की पावर x का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 4x क्यूब आगे e की पावर x की पावर 4, 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। इस तरह से हमारे पास जो आने वाली चीज़ है वो ये आपको मिल जाती है, ओके। अब आते हैं हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट, रूट के अंदर आपके पास दे रखा है e टू दी पावर रूट x है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, ये जनरली ऐसा है e की पावर रूट x की पावर 1/2, चाहो तो और तोड़ दो e की पावर x की पावर 1/2 की पावर 1/2 है, क्लियर है, तो है इसका यदि डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x की हम बात करेंगे तो dy by dx, पहले हम dy dx किसका निकालेंगे e की पावर रूट x की पावर 1/2 का, पहले पावर का फिर e की पावर रूट x का और लास्ट में e की पावर सॉरी किसका निकलेगा x की पावर 1/2 का, तो पावर का करा तो 1/2 आगे x की पावर ऐसी और इसकी पावर हो जाएगी 1/2 - 1, e की पावर रूट ex का e की पावर x होता है, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 - 1, ये हो गया 1/2 e की पावर रूट x, इसकी पावर हो जाएगी इसको सोल्व करेंगे तो -1/2 e की पावर x का रूट x हो ही गया आपका, यहाँ हो गया 1/2 और ये हो जाएगा x की पावर -1/2, जो माइनस वाली चीज़ है वो नीचे चले जाएगी 1/4 हो जाएगा, ऊपर रूट x बचेगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा रूट e की पावर रूट x और साथ में कौन आया अंडर रूट x, ओके क्योंकि माइनस में था इसलिए ये चीज़ कहाँ चली जाएगी आपकी नीचे की ओर चली जाएगी, तो इस तरह से आपके पास आने वाली चीज़ होगी क्या होगा 1/4, चाहे तो हम इसको भी काट सकते हैं है ना, एक में रूट है एक में रूट नहीं है तो काट दो, कैसे काट दें, ये इससे कटा ये हो जाएगा 1/4, ये हो गया अंडर रूट e की पावर रूट x और नीचे हो गया रूट x, चाहे तो सब लिख सकते हैं, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, 8 क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल्स टू log और उसके अंदर दे रखा है log x, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, वही चीज फंक्शन के अंदर फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा dy by dx, dy dx किसका निकालेंगे log log x का, फिर dy dx किसका निकालेंगे ओनली log x का, log x का होता है 1/log x और log x का होता है 1/x, रीअरेंज करेंगे 1 into log x, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है 8 वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है cos x upon log x, किसके बराबर ले लेंगे y के, log का रूल लगाएंगे इसके अंदर, तो देखिए dy by dx नीचे वाली चीज एज इट इज जाएगी, log x एज इट इज जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, log x को ये रखेंगे, d by dx किसका निकालेंगे cos x का, फिर माइनस लगाएंगे cos x एज इट इज रहेगा और d by dx किसका निकालेंगे log x, अब जो होगा log x का क्या होगा, देखिए log x cos x का माइनस साइन x, cos x एज इट इज, log x का 1/x और इसके अपॉन में हो जाएगा log x का होल स्क्वायर,
ठीक, अब एलसीएम ले लें इसका हम लोग, माइनस आगे लगा देते हैं साइन एक्स लॉग एक्स अपॉन में वन, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन एक्स, और पूरे के अपॉन में लिखेंगे लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा, यह आ जाएगा एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसके अपॉन में चला गया एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आएगी। क्या ये वैल्यू आपके पास, आपके पास आया माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चाहे हम तो क्या कर सकते हैं, ये माइनस को कॉमन ले सकते हैं, एज यू इज करना चाहें तो करें, नहीं करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है y इज इक्वल्स टू cos, ब्रैकेट के अंदर log x प्लस ex। देखिए वही dy by dx निकालेंगे, सबसे पहले किसका निकलेगा, cos का। ओके, cos के बाद किसका निकलेगा, हो जाएगा cos के बाद किसका निकलेगा, log x प्लस ex। ओके, cos x का हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर log x प्लस ex होगा। यहाँ देखिए d by dx किसका निकालेंगे, log x का, और d by dx किसका निकालेंगे, ex का। ये हो गया माइनस साइन log x प्लस ex, और ये हो जाएगा वन अपॉन x प्लस ex। You know very well the LCM of this function is 1 plus x ex और upon में x। चाहे तो हम इतना ही लिख सकते हैं तो भी चलेगा। इस तरह से हमने जो NCERT के एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट की। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी आएगी। थैंक यू वेरी मच।